वेन्नेसली के खनिज कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी गुलाब खान की बीती रात संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे पूरे नगर में सनसनी फैल गई है। मृतक के पुत्र समद खान ने पिता की मौत के लिए अपने ससुराल पक्ष के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के पुत्र का कहना है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग पन्ना आए थे। उनके द्वारा कथित तौर पर पहले दामाद के साथ गाली गलौज कर उसे धमकी दी गई और फिर गुलाब खान को देख लेने की बात कहते हुए सभी लोग उसके ऑफिस के लिए रवाना हो गए। इस घटनाक्रम के कुछ ही घंटे बाद गुलाब खान गंभीर रूप से हालत में पाए गए, जिन्हें देर रात उपचार के लिए पन्ना जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी असमय ही मौत हो गई। खनिज विभाग के कर्मचारी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत होने का मामला नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ कोतवाली थाना पुलिस ने घटना पर मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। दुकान पे थे, शाम 5 बजे की घटना है और हमारे जो है ससुर आए गाड़ी से, उनके साथ में 4 लोग थे, जो कि हमारे ससुर का नाम रशीद है और उनके साथ में हमारा बड़ा साला था जिसका नाम आदिल है, और उनके साथ में एक वो रईस मामू करके थे और उनके साथ में एक जो है वर्मा जी थे जो उनके मुनीम, और हमारे यहाँ पे आके धमकी दी। और तो इन्होंने धमकी दी और धमकी दे के बोलते हैं कि तुम्हारे बाप कहाँ, तो हमने कहा कि पापा जो है ऑफिस में है, तो ये बोले कि हम तुम्हारे पापा को जो है ऑफिस में जाके देखे ले रहे, तो फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से निकल गए। फिर हमने अपनी जो है शाम 7:30 के समथिंग अपनी दुकान बंद की। फिर जो है हम थोड़ा मार्केट में व्यस्त हो गए। जब 8 बजे पहुँचे तो हमने पापा को फ़ोन लगाया तो पापा घर आए। फिर पापा घर आके मोबाइल रख के बोली सिस्टर का फ़ोन आ रहा, तो मम्मी को मोबाइल दे के चले गए। उसके बाद जब हम यहाँ चले आए अपने काम से डायमंड चौराहा, उसके बाद गए तो फिर घर में जब हम 10 बजे के समथिंग पहुँचे तो हमें मालूम चला आधे घंटे के अंदर कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर तक आया है। तो वो हमारे घर तक आए गाड़ी लेके और बोले कि तुम्हारे पापा वहाँ पे पड़े हैं। तो हमने जाके देखा तो वहाँ पे 100 नंबर पहुँच चुकी थी। कहाँ पर? ये एसडीएम कार्यालय है जो वहाँ पे। मैं इस प्रकार की सूचना पन्ना कोतवाली में प्राप्त हुई और एक गुलाब नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई। पूछताछ पे अभी पता चला है कि उन्होंने किसी जहरीली वस्तु का जैसी चीज़ का सेवन किया है और उस संबंध में कोतवाली थाने में मर्ग पंजीकृत हो चुका है और आज पोस्टमार्टम भी उस